بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اقرأ بسم ربك الذي خلق. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. اقرأ وربك الأكرم. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذي علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. السلام علیکم. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. This is class 6 and the period is mathematics and I am your mathematics teacher. Today we continue our class with chapter number 1. In our last class we had studied prime numbers, composite numbers, factors, and now we have continued with our next topic, prime factorization. What is prime factorization? In this definition we have two words, one is prime and the other is factorization. Prime numbers हम पढ़ चुके हैं. Prime numbers क्या होते हैं? वो तमाम numbers जो सिर्फ अपने table में आते हैं उन्हें हम prime numbers कहते हैं. यहाँ पर भी prime से मुराद prime numbers ही है. वैसे अगर word to word prime की meaning देखी जाए तो prime का मतलब होता है something important और something which is highlight. Now अब आ जाते हैं factorization की तरफ. Factorization, ठीक है. वर्ड फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास, इसमें एक वर्ड मौजूद है जिसका नेम है फैक्टर. ठीक है, अगर यहाँ तक मैं देखूँ सिर्फ इतने वर्ड को तो इसमें एक वर्ड मौजूद है फैक्टर. फैक्टर की डेफिनेशन आपको लास्ट क्लास में बताई गई थी, दोबारा बता देती हूँ. फैक्टर कोई भी ऐसा ऐसे नंबर्स, टू या टू से ज़्यादा ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर कोई एक थर्ड न्यू नंबर फॉर्म हो तो वो तमाम नंबर उस पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं. जैसे मैं लिख लूँ 2 × 3 × 1, 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 6, तो ये तमाम नंबर 2, 3 और 1 हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे 6 के. ठीक है, अब आ जाए, ये तो हो गए हमारे पास फैक्टर्स की सिंप्लीफिकेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं. अब हमारे पास यहाँ पर जो टर्म लिखी है फैक्टराइजेशन, ये किसी मेथड का नाम है. इन किसी भी एक नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने के मेथड को फैक्टराइजेशन कहा जाता है. फैक्टराइजेशन के मेथड में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे होते हैं. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे होते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास, अब हमें दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए. प्राइम मीन्स प्राइम नंबर्स, ऐसे तमाम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टर्स फाइंड करना किसी भी टर्म के. ठीक है, वो नंबर भी हो सकता है वो टर्म, या वो किसी और फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन किसी भी टर्म के फैक्टर्स फाइंड करने के मेथड को कहा जाता है फैक्टराइजेशन. अब प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी टर्म का मतलब क्या होगा, पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. कह रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें क्या एक्सप्रेस किया जाता है. एक्सप्रेस मतलब इजहार करना, किस चीज़ का इजहार किया जाता है. एक कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर जो अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल्स में भी आता है, यानी उसके बहुत दो से ज़्यादा डिवीज़र होते हैं. ठीक है, अपने टेबल में भी आता है और दूसरे टेबल्स में भी आ जाता है. जैसे 4 की एग्जाम्पल ले लें, 4 2 के टेबल में भी आता है, 2 × 2 = 4, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं. एक ऐसा कंपोजिट नंबर्स के प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. किसी भी एक कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स फाइंड करना, और फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स का मतलब है कि यहाँ फैक्टर्स की जगह पर जितने भी नंबर्स लिखे हो वो तमाम नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स हों. 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 और 3 की बात कर लें. 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, और दोनों 6 के फैक्टर्स भी हैं, तो इन फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर्स जरूरी नहीं है प्राइम फैक्टर्स हो,
फोर मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू एट। ये दोनों भी तो एट के फैक्टर्स हैं, फोर एंड टू बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ एट, दोनों एट के फैक्टर्स हैं, लेकिन क्या ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं? क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं? नो, टू हमारे पास प्राइम नंबर्स है तो ये प्राइम फैक्टर हो गया, लेकिन फोर प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है तो फिर प्राइम फैक्टर भी नहीं है। इट्स मीन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये फैक्टराइजेशन तो है बट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। लेकिन ये ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स भी हैं, इन्हें फाइंड कर, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर है और इसे फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। नॉर्मली फैक्टर्स फाइंड करना फैक्टराइजेशन, और अगर वो फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हो तो वो प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, और इन्हें फाइंड करने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस। अब इन्हें किस तरह से फाइंड करते हैं ये हम अपने क्वेश्चन से सीखेंगे। उससे पहले इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है इंडेक्स म्यूटेशन, इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है, इंडेक्स म्यूटेशन, इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स यूज हुए हैं, फर्स्ट वर्ड है इंडेक्स, द सेकेंड वर्ड इज म्यूटेशन। इंडेक्स, सबसे पहले वर्ड इंडेक्स को देखेंगे। इंडेक्स का मतलब होता है पावर। ठीक है, पावर, पावर किस तरह से होती है? जैसे मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर सिक्स, सिक्स के ऊपर ये साइड में छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हम कहेंगे कि ये सिक्स की पावर है। पावर कोई भी नंबर हो सकता है, टू थ्री फोर, यहाँ पे टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है। तो किसी भी नंबर के ऊपर साइड में ये जो छोटा सा नंबर लिखा है ये इसकी पावर है। ठीक है, और इंडेक्स का मतलब होता है पावर। अब आ जाए म्यूटेशन। म्यूटेशन किसी भी सिंबल को कहते हैं। सिंबल कोई से भी निशान हो सकता है, हमारे पास बहुत सारे सिंबल होते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंडेक्स म्यूटेशन, यानी इंडेक्स म्यूटेशन यानी पावर के सिंबल की। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, इंडेक्स म्यूटेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम इस पावर के सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पावर वाला सिंबल किस तरह से फॉर्म होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इंडेक्स म्यूटेशन क्या है। इंडेक्स म्यूटेशन के वर्ड की मीनिंग तो हमें समझ में आ गई है। इंडेक्स म्यूटेशन इज अ शॉर्ट वे, कह रहे हैं इंडेक्स म्यूटेशन एक छोटा और आसान सा तरीका है, किस चीज के लिए? टू राइट अ नंबर, एक नंबर को लिखने का, बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम, ऐसा नंबर जो खुद अपने ही आप से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई भी ऐसा नंबर जो अपने ही आप से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसे शॉर्ट वे में लिखने के मेथड को कहते हैं इंडेक्स म्यूटेशन। अब क्या है, थोड़ा सा लिख के समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से, लिख लेते हैं। अब डिस्कस क्या कर रहे हैं हम, इंडेक्स म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक नंबर टू, टू मल्टीप्लाई टू इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि टू बार बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ यानी खुद से, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम, अपने ही आप से बार बार ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई बाय टू। अब इसे शॉर्ट वे में लिखने के मेथड को या प्रोसेस को या वे को हम कहते हैं इंडेक्स म्यूटेशन। लेकिन वो वे है क्या? ये क्या नंबर है? टू। बेस क्या है हमारी? टू, यानी जो ये फॉर्म नंबर की कौन सा है? टू है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हमने लिख दिया इस तरह से बड़ा बेस, इसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, ये वाली साइड, यहाँ टू लिखा हुआ था, नंबर टू है इसलिए टू लिखा है। अब मैं इस टू को काउंट कर लूंगी कि ये कितने टाइम से, ये जो टू है इसको हम क्या कह रहे हैं? बेस। अब इसे काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ये टू कितने टाइम्स लिखा है यहाँ पर? फाइव टाइम्स। तो ये जो फाइव टाइम्स लिखा है, ये फाइव मैंने यहाँ पर छोटा सा करके लिख दिया, और ये क्या कहलाएगी? इस टू की पावर। और इस टू को जो खुद से एक साथ सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इस शॉर्ट वे में लिखने के मेथड को हम कहते हैं इंडेक्स म्यूटेशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हमें दोनों मेथड क्लियर हो चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी और इंडेक्स म्यूटेशन भी। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर फ्रॉम एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A विच इज 72। अब पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहे फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर
उन्होंने आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं तो लिखा फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। दो बातें कह रहे हैं, ये नंबर है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करें यानी इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें और उसके बाद जो आप आंसर देंगे उससे इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लें। स्टार्ट करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। पहले तो ये नंबर मेरे पास गिवन है जिसके मुझे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 72। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले चेक करूंगी कि इसका पहला फैक्टर क्या हो सकता है। लास्ट नंबर है 2, 2 इज अ इवन नंबर, तो इट्स मीन अगर ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं पहला फैक्टर सिलेक्ट कर रही हूं कि वो है 2। 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 ग्रेटर हो गया 7 से, तो 2 3 जा 6 लेंगे। 6 हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, 1 रिमेनिंग है, रिमाइंडर है, तो वो 2 के साथ आ गया, ये 2 बन गया 12। अब 12 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 क्योंकि मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, 2 6 जा 12। अभी भी ये एक इवन नंबर है, इट्स मीन ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। दोबारा से 2 का टेबल 2 फैक्टर लेंगे, 2 वन जा 2, 1 यहाँ रिमाइंडर, 2 8 जा 16। एक बात ध्यान में रखनी है कि इस साइड पे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई हो रही है तो इस साइड पे जितने भी नंबर्स आएंगे वो तमाम नंबर्स प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए लास्ट में, और ये नंबर्स क्या है, फैक्टर्स हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। अब हम यहाँ पर 2 के टेबल से दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, क्या 9 2 का फैक्टर है, नहीं आएगा 9 2 के टेबल में, तो अब 3 के टेबल से करते हैं, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये मेरे पास आ गए फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, किसके प्राइम फैक्टर्स हैं ये, 72 के, तो 72 इज इक्वल टू 72 किसके बराबर है, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ तक हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड कंप्लीट, लेकिन क्वेश्चन में एक बात उन्होंने और कही है कि आपको अपना आंसर देना है इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में, तो अब इस पर इंडेक्स नोटेशन अप्लाई करें किस तरह से। इंडेक्स नोटेशन एक ऐसा शॉर्ट वे है जहां पर हम वो नंबर जो खुद से बार बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें शॉर्ट वे में करके लिखते हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जो खुद से ही बार बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यस, यहाँ देखें 2 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बेस, बेस क्या है, 2 लिख दी। अब काउंट करें इसको, 1 2 3, 3 टाइम्स है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, 3। ये आपको समझाने के लिए लाइन बनाई थी, रिमूव कर रही हूँ। फिर मल्टीप्लाई का साइन, अब 3 हमने लिख दिया बेस, 2 और 3 अलग अलग है ना, इसलिए 2 पे अलग इंडेक्स नोटेशन अप्लाई होगी, 3 पे अलग। 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम 2 टाइम्स, तो पावर क्या आ जाएगी इसकी, 2। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2A से रिलेटेड आपके पास दो पार्ट्स और है जो आपके कंटेंट सॉल्यूशन में मौजूद है। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, एक आप वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 और सेकेंड है हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का, हमारे पास कौन सा पार्ट है हमारे सॉल्यूशन में, 2 का सी पार्ट। ये आप अपने वीडियो लेक्चर की हेल्प से और अपने कंटेंट सॉल्यूशन की हेल्प से खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज इसी तरह होगा, बस वैल्यू चेंज है, ओके। फिर आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। पहले तो सबसे पहले टॉपिक के नेम को डिस्कस कर लेते हैं, स्क्वायर रूट्स, ठीक है। सबसे पहले हमें रूट्स पे तो जब आएंगे ना, तुम्हें पता होगा स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वो नहीं फोर साइडेड स्क्वायर, ये वाले स्क्वायर की बात नहीं हो रही, एक और टर्म है जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया है कि मेरे पास एक नंबर है उसके ऊपर लगी है पावर 2, मैं इसको कह रही थी ना 3 की पावर 2, इस तरह से ही हम कॉल कर रहे हैं इसको 3 पावर 2, और अगर किसी नंबर पे पावर 4 लगी है तो 4 पावर 4 इस तरह। लेकिन आगे हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस पावर 2 को नाम दिया गया है स्क्वायर का। अगर किसी भी नंबर पे मेरे पास किसी भी नंबर पे मेरे पास अगर पावर 2 लगी है तो
तो मैं उसे 3 की पावर 2 कहने के बजाय कहूंगी 3 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे कभी भी 3 पावर 2 रीड नहीं करेंगे, हम इसे पढ़ेंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, कोई भी नंबर हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर पावर 2 है तो हम उसे कॉल करेंगे वही नंबर कह के स्क्वायर। अब आ जाए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? पावर स्क्वायर है, पावर अगर 2 है तो हम उसको कहेंगे स्क्वायर, और अगर पावर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, उसकी पावर अगर है 1/2 तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसे 1/2 नहीं लिखेंगे, हम उसे किस तरह से लिखेंगे, 1/2 की जगह ये सिंबल शो किया गया। इस सिंबल का मतलब है 1/2, यानी अगर किसी भी नंबर की पावर 1/2 है तो उसे इस तरह से आपके पास शो किया जाएगा, आपकी बुक में भी इसी तरह से गिवन होगा स्क्वायर रूट। ये सिंबल किसको शो कर रहा है? पावर 1/2 को, और इसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट। और इसे पढ़ेंगे किस तरह से? हम स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्योंकि अंदर 4 मौजूद है। अगर अंदर 6 होता है तो हम इसे कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6, अगर अंदर 8 होता है तो हम जो भी नंबर अंदर होगा हम उसे कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डैश, यानी अभी 4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट के दरमियान एक लिंक और भी है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 4, इसके ऊपर पावर लगी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर से ये पावर हटाना चाह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये पावर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट इस स्क्वायर का इन्वर्स है। स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हट गई पावर, पावर खत्म हो गई ना स्क्वायर की। तो इस तरह से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर कभी भी आपके पास एक सिचुएशन आती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर लिखा है 2, इसके ऊपर पावर है स्क्वायर, और फिर ऊपर से स्क्वायर रूट भी मौजूद है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर क्या बचेगा हमारे पास? सिंपल 2। तो अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है 2 तो वो है स्क्वायर, और अगर किसी नंबर के ऊपर है पावर 1/2 तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर रूट, और अगर किसी नंबर के ऊपर एक साथ दोनों चीज़ें हैं, स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो नंबर सिंपल इसी तरह आंसर आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, लेकिन हम इसे इस फॉर्म में नहीं लिखते, हमेशा इस सिंबल की मदद से शो करते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक एंड क्यूब रूट। सबसे पहले तो वर्ड क्यूब की मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड क्यूब की मीनिंग है कोई भी ऐसा नंबर जिसके ऊपर पावर मौजूद हो 3। ठीक है, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर लगी है 3 तो हम उसे 3 पावर 3 कहने के बजाय कहेंगे 3 क्यूब, और इसी तरह अगर किसी नंबर के ऊपर पावर मौजूद है 1/3 तो उसे हम कहेंगे क्यूब रूट। बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही है, वहां पर पावर हमारे पास 2 थी, यहाँ पर हमारे पास पावर है 3, और 3 का इन्वर्स है 1/3, तो पावर 3 है तो वो क्यूब है, और अगर पावर 1/3 है तो वो क्यूब रूट है। जिस तरह 1/2 को सिंबल से शो करते थे इस सिंबल से, इसी तरह 1/3 के लिए भी एक सिंबल मौजूद है, यानी क्यूब रूट के लिए भी एक सिंबल मौजूद है, और वो सिंबल है ये, और यहाँ पर पावर, यहाँ क्यूब क्यूब स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में डिफरेंस करने के लिए स्क्वायर रूट पर कोई नंबर मेंशन नहीं है, और क्यूब रूट में यहाँ पावर 3 मेंशन है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, अगर इसके अंदर एक नंबर मौजूद है 8, ठीक है, इसके अंदर नंबर मौजूद है हमारे पास 8, तो ये क्या कहलाएगा? इसको पढ़ेंगे हम किस तरह से? क्यूब रूट ऑफ 8, और ये क्या कहलाएगा? 3 क्यूब, वर्डिंग में पढ़ने के लिए। जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसी तरह क्यूब और क्यूब रूट भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर कोई एक नंबर है जिसके ऊपर पावर 3 है और साथ क्यूब रूट भी मौजूद है, तो ये क्यूब रूट इस पावर 3 को कैंसिल कर देगा और आंसर क्या आएगा? 3। इसका मतलब है कि जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्स है, इसी तरह क्यूब और क्यूब रूट भी एक दूसरे के इन्वर्स है, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब है कि पावर 2, और स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, और क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3। दोनों के सिंबल्स भी यहाँ लिख लीजिए, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है और ये क्यूब रूट का सिंबल है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3A।
स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, वन स्क्वायर रूट ऑफ 1764 यानी 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करना है, स्टार्ट इसे हम बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया था। 1764 लिखा मैंने और इसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। लास्ट नंबर है 4, 4 एक इवन नंबर है, इट्स मीन हमारा 1764 भी इवन नंबर है, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4। नेक्स्ट दोबारा 2 से टेबल से हो जाएगा, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। क्या अब ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है? नहीं, लास्ट नंबर है 1 और 1 एक ऑड नंबर है, तो 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 1 यहाँ रिमाइंडर बना, ये बन गया 14। अब 3 के टेबल पढ़ें कि 14 या 14 से स्मॉलर वैल्यू आ जाए। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। 2 यहाँ रिमाइंडर आ गया, 3 7 21। अब इसे दोबारा सॉल्व करेंगे, दोबारा 3 के टेबल से करेंगे, 3 4 12, 2 रिमाइंडर, 3 9 27। 49 7 के टेबल में आता है, 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 49 एंड 7 1 7। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आए हैं किसके, 1764 के। पहले तो मैं इस तरह लिखूंगी 1764 और इसके जो फैक्टर्स आए वो इक्वल का साइन लगा के जिस तरह हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा था बिल्कुल उसी तरह से तमाम फैक्टर्स को साथ लिख देंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है जी, अब 1764 तो एज इट इज आ जाएगा। अब इन तमाम को इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिख देंगे। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हर नंबर के 2 2 नंबर्स के पेयर्स बनाएंगे, और जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हर नंबर के 3 3 नंबर्स के पेयर्स बनाएंगे, सेम नंबर्स के इंडेक्स नोटेशन जब अप्लाई करेंगे। 2 बेस एज इट इज लिखा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2, फिर 3 बेस नंबर ऑफ टर्म्स 2 मल्टीप्लाई बाय 7 बेस नंबर ऑफ टर्म 2, 2 को हम कहते हैं स्क्वायर। अब मैं इसे किस तरह से लिखूंगी, 2 बेस तमाम बेस को एक साथ लिखूंगी, 2 × 3 × 7 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट की फॉर्म में लिख रही हूँ। तीनों के ऊपर पावर सेम है, पावर 2 है, तो मैं पावर को एक ही दफा ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगी। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर पावर सेम है तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट का मतलब है ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि ये पावर इन तीनों नंबर्स के साथ है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर है इट्स मीन वो ब्रैकेट के अंदर वाले तमाम नंबर से ऑपरेट हो रहा है, यानी तमाम नंबर्स के साथ है। अब आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1764 मौजूद है, लिख लीजिए। मुझे यहाँ से ये पावर 2 खत्म करनी है। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट की मदद से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर कैसे स्क्वायर रूट लगा लूँ? कोई एक रूल भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये एक इक्वेशन है और बीच में इक्वल का साइन मौजूद है, तो अगर मैं कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ और तो मैं इन्हें दोनों साइड्स पर अगर यूज़ करूँगी तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ख़राब नहीं होगा, वो स्मूथली सॉल्व होता रहेगा। ये एक रूल है, अगर आप कोई भी ऑपरेटर अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन में तो उसे आप इक्वल साइन के दोनों तरफ अगर ऐड कर दें तो आपकी इक्वेशन बैलेंस रहेगी और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर स्क्वायर रूट चाहिए तो मुझे यहाँ पर भी स्क्वायर रूट मेंशन करना पड़ेगा, तो मैंने 1764 पर भी स्क्वायर रूट लिख दिया इक्वल, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिख दिया 2 × 3 × 7। अच्छा जी, ये पावर 2 लिखी हुई है। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट तो हो गया कैंसिल, ये हमारा नंबर ऐसे ही रहा क्योंकि इसके ऊपर तो स्क्वायर पावर मौजूद ही नहीं है। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जो रिमेनिंग टर्म्स बची है वो लिख लेंगे 2 × 3 × 7। आंसर हमेशा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में देते हैं, ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई होने, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। 2 3 6 और 2 3 6 6 7 42। ठीक है जी, ये हो गया हमारे इस पार्ट का आंसर। अब इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्टेंट सॉल्यूशन में, आपके कॉन्टेंट में मौजूद हैं, उन्हें आप सॉल्व करेंगे खुद से।
पहला क्वेश्चन है इसका वर्क एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी आपके कॉन्टेंट सॉल्यूशन में मौजूद है। और सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3C, ये भी आपके कॉन्टेंट सॉल्यूशन में मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। स्क्वायर के लिए आप अपने नंबर्स को 2-2 की पावर में ब्रेक करेंगे और क्यूब के लिए आप 3-3 की पावर्स में ब्रेक करेंगे और इन्हें आप अपने वीडियो लेक्चर की हेल्प से और अपने कॉन्टेंट सॉल्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं हमारे होम टास्क की तरफ। आपका होम टास्क ये है कि आपके कंटेंट सॉल्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स को चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया गया डेफिनेशंस की फॉर्म में। पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6 पे आपके पास बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी गई हैं, प्राइम फैक्टर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इंडेक्स नोटेशंस एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड ये तमाम टॉपिक्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन तमाम डेफिनेशंस को मेमोराइज करेंगे। पेज नंबर 5 और 6 पे जितनी डेफिनेशन मौजूद हैं आप उन्हें मेमोराइज करेंगे। ये थी हमारी आज तक की क्लास। इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स और रिमेनिंग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1A से बिलोंग करते हैं उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।